अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू छोटी मार्केट। तो भाई आज आपका भाई एक नई वीडियो लेके आया है। हमेशा की तरह दो वॉचेस को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, W26 को और T500 प्लस प्रो को हम कंपेयर करने जा रहे हैं दोनों वॉचेस को। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल छोटी मार्केट को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोनों वॉचेस को एक साथ ऑन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि सुपर फास्ट वॉच दोनों में से हमारे पास कौन सी है, W26 प्लस या फिर T500 प्लस प्रो। तो दोनों को एक साथ बटन दबा के ऑन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, सबसे पहले T500 प्लस प्रो जीत गई है ऑन करने में। T500 प्लस प्रो सबसे पहले ऑन हुई है और उसके बाद W26 प्लस वॉच ऑन हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। हम मेरे लेफ्ट हैंड पे जो मौजूद है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये W26 प्लस वॉच दी गई है हमारे पास। और मेरे जो राइट हैंड पे वॉच मौजूद है, इसका नाम T500 प्लस प्रो है, जिसका डब्बा ये है। और W26 प्लस जो मेरे पास दी गई है, इसका डब्बा ये है। तो दोनों वॉचेस को हम कंपेयर कर लेते हैं। दोनों वॉचेस हमारे हाथ में हैं। इसके राइट हैंड साइड पे दोनों वॉचेस को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे W26 प्लस के अंदर एक बटन दिया गया है हमारे पास, जबकि T500 प्लस प्रो के अंदर बटन नहीं दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक माइक दिया गया है, दोनों में माइक दिया गया है। दोनों के बटन भी मिलते जुलते हैं। यहाँ पे आप बटन को घुमा सकते हैं, जबकि W26 प्लस के अंदर भी आप घुमा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों दोनों में राउंड बटन दिए गए हैं, जिससे दोनों के डिस्प्ले चेंज हो जाते हैं। मैं आपको दोनों के डिस्प्ले चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, दोनों के डिस्प्ले इसको राउंड वाले बटन को घुमाने से इसके डिस्प्ले चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इसके राइट हैंड साइड पर देख लेते हैं, दोनों में माइक दिया गया है। इसके बैक हैंड साइड से देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों की चार्जिंग पोर्ट जो है वो सेम दिए गए हैं। तो चलें दोस्तों दोनों के चार्जिंग चेक कर लेते हैं। दोनों के चार्जिंग यहाँ पे W26 के अंदर एक मैग्नेटिक चार्जर दिया गया है, जो कि आप इजीली यूं लगा के आप अपनी वॉच को चार्ज कर सकते हैं। T500 प्लस प्रो में राउंड कलर का चार्जर दिया गया है, जिससे हम अपनी वॉच को इसके ऊपर रख के चार्ज कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं हम, कि इसके अंदर मेन्यू स्टाइल कितने दिए गए हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे जो मौजूद है T500 प्लस प्रो, यहाँ पे हम आके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टाइल दिए गए हैं। तो ये सबसे पहला स्टाइल दिया गया है यहाँ पे, जबकि W26 प्लस के अंदर हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास 2 स्टाइल दिए गए हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं दोनों का डिस्प्ले, दोनों का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन W26 प्लस का डिस्प्ले ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास T500 प्लस प्रो के अंदर हमारे पास 4 स्टाइल दिए गए हैं मेन्यू के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे जाके हम 4 में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास W26 प्लस के अंदर ओनली 2 मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा आगे हम चेक कर लेते हैं और इसके फंक्शंस। दोस्तों इसके अंदर एनिमेटेड डिस्प्ले दिए गए हैं T500 प्लस प्रो के अंदर, लेकिन आप अपनी कस्टम डिस्प्ले नहीं लगा सकते हैं इस वॉच के अंदर, जबकि इस वॉच के अंदर आप अपना कस्टम डिस्प्ले लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, तो यहाँ पे हम कस्टम डिस्प्ले लगा सकते हैं W26 के अंदर। और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसके फेसेस कितने ज़्यादा फास्ट हैं W26 के, जबकि T500 प्लस प्रो के डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं फास्ट हैं, लेकिन W26 ज़्यादा फास्ट है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक बैटरी टाइमिंग की बात है, तो बैटरी टाइमिंग के मुकाबले में W26 प्लस की बैटरी ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसका डिस्प्ले ऑटो सेंसर के ज़रिए जल्दी बंद हो जाता है, जिससे आपकी बैटरी बच जाती है। जबकि मेरे राइट हैंड साइड पर जो T500 प्लस प्रो है, इसका सेंसर काफ़ी लो है, वॉच की जो स्क्रीन टाइमिंग है वो थोड़ी देर बाद बंद होती है। तो इस वजह से W26 प्लस की बैटरी टाइमिंग ज़्यादा है। और इसका स्ट्रैप जो है, दोनों का स्ट्रैप ऑलमोस्ट सेम है, और वेट भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। दोस्तों जहाँ तक
प्राइस की बात है तो T500 मार्केट से हमें थोड़ी सस्ती मिल जाएगी और W26 T500 प्लस प्रो से महंगी मिलेगी आपको। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि दोनों वॉचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉचेस हैं, लेकिन अगर आप अच्छा डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग चाहते हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप W26 वॉच लें। दोस्तों दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही है मार्केट के अंदर, तो लोग चाहते हैं चीप प्राइस के अंदर तो वो T500 प्लस प्रो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन्यू स्टाइल काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड इसके डिस्प्ले भी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज तक यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल छोटी मार्केट को सब्सक्राइब करें ताकि हम डेली ऐसी वीडियोस आप तक लेके आ सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।